नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भोला पांडे और आप लोग देख रहे हैं भोला पांडे ब्लॉग्स। पिछले वीडियो में आपने देखा पंचकोसी यात्रा। पंचकोसी यात्रा में हमने 3 से 4 तीर्थ स्थल के दर्शन किए हैं, भोलेनाथ बाबा के दर्शन किए हैं। चलिए भाग एक को तो देख लिए हैं, अब शुरुआत करते हैं भाग दो की। जिन्होंने पंचकोसी यात्रा भाग एक को नहीं देखा है वो ज़रूर देखें, उसके बाद भाग दो को यहाँ से देखना प्रारंभ करेंगे। तो चलिए हम लोग पहुँच चुके हैं चंपारण और चंपेश्वर महादेव के पास। चलिए आइए और मिल करके दर्शन करते हैं और अपना पंचकोसी यात्रा पुनः प्रारंभ करते हैं। बोलिए भोलेनाथ बाबा की जय। तो चलिए दोस्तों, श्री चंपेश्वर महादेव जी मंदिर पहुंच चुके हैं और हम लोग भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। अंदर देखते हैं, देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ है और आप लोग दर्शन कर रहे हैं भगवान चंपेश्वर नाथ का। बाहर निकल गए हैं, देखें अंदर में बहुत ज़्यादा भीड़ था, थोड़ा सा वीडियो शूट कर पाया बस। अब ये सब कांवर जो है यहाँ पर आए हुए हैं, कांवरिया लोग। हम मंदिर परिसर से हम लोग बाहर निकल गए हैं। चंपारण में चंपेश्वर महादेव का दर्शन अब हम लोगों ने पूरा परिवार सहित कर लिया है। अब आगे चलते हैं एक और मंदिर। पंचकोसी यात्रा कर रहे हैं भाई हम लोग। गौर शंकर भगवान की। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बम्हनी। बम्हनी एक ऐसा स्थान है जहां भोलेनाथ साक्षात विराजमान है। यहीं से जो लोग हैं आसपास इलाके के लोग, यहां से कांवर लेकर के जल उठा करके कोई सिरपुर जाता है, कोई भूतेश्वरनाथ जाता है, तो कोई चंपेश्वरनाथ जाता है और कोई जाता है राजिम नयापारा यानी फुलेश्वरनाथ। ठीक है, हम लोग भी पहुँच चुके हैं बम्हनी में और भगवान भोलेनाथ का दर्शन करेंगे। ये हमारा कितने नंबर का शिवलिंग होगा? 5वां नंबर का। ठीक है, तो वीडियो को यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। प्राचीन मूर्तियाँ और ये है मेन गेट मंदिर जाने का। तो ये है ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर, बम्हनी महासमुंद के पास है ये। और यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ पर हो रहा है पूजा पाठ। तो चलिए चलते हैं मंदिर प्रांगण के अंदर, कुछ नज़ारा ऐसा है, तो आप लोग भी मेरे साथ दर्शन कर लीजिए। तो चलिए मंदिर अंदर प्रवेश करते हैं, ब्रह्मेश्वर महादेव का दर्शन करने जा रहे हैं। आप लोग मेरे साथ बोलिए ब्रह्मेश्वर महादेव की जय। तो पिताजी जो है यहाँ पर विराजमान हो गए हैं, बैठ चुके हैं पूजा करने के लिए। तो आप लोग भी अच्छे से दर्शन कर लीजिए, ये है ब्रह्मेश्वर महादेव, आपको करीब से दिखा रहा हूँ। आप लोग बढ़िया सुंदर भाव से आप लोग दर्शन कर लीजिए ब्रह्मेश्वर महादेव का। ये देखिए कुछ ऐसा दिखता है भगवान भोलेनाथ। अच्छा, तो चलिए यहाँ का मंदिर का भी पूजन हो गया। तो दोस्तों यहाँ हमने 5 शिवलिंग के दर्शन कर लिए, अब मंदिर परिसर से बाहर निकलते हैं। हमारी माताएं फिर मिल चुकी हैं, ये देखिए खरीदी में लगना शुरू हो गया। चलो तो बताओ क्या क्या खरीदे। नारियल, ये लोग शुरुआत किए थे, समापन के समय फिर आ गए। बढ़िया बात, कहाँ कहाँ घूमे? अभी तो मगमची दो जगह, चंपारण है। चंपारण हो गया, चंपारण हो गया। वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो रहा है, फिर भी अगर आपको अच्छी जानकारी चाहिए तो वीडियो को तो पूरा देखना पड़ेगा भाई। मैं छोटा था ना तब यहाँ आया था, एकदम छोटा था मैं तब, यहाँ से कांवर उठा करके मैं ना सिरपुर गया था और यहाँ स्नान किया था, ये देखिए। तो चलिए अब प्रस्थान करते हैं अगले शिवलिंग की ओर, अगला मंदिर जाएंगे हम लोग। और सावन में भी मेरे साथ और मेरे पूरे परिवार के साथ आप लोग भी भगवान का दर्शन कर रहे हैं, वो भी घर बैठे बिना पैसा खर्चा किए। तो दोस्तों अब हम लोग पहुँच चुके हैं महासमुंद और कनेकेरा
महासमुंद के पास है कनेकेरा, वहाँ के नदी के किनारे पर है भगवान भोलेनाथ, वहाँ उनका दर्शन करेंगे। तो चलो भैया, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग एक और मंदिर पहुँच चुके हैं। महासमुंद कनेसर ये नदी है और नदी के किनारे पर है भगवान भोलेनाथ का सुंदर मंदिर। दोस्तों ये ना पंचकोसी मंदिर में नहीं आता है, फिर भी जब रास्ते में है तो हम लोग भी इसका दर्शन करेंगे, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। ये है मंदिर का प्रवेश द्वार, कनेश्वर महादेव मंदिर कनेकेरा। ये देखिए इसमें लिखा भी है। तो चलिए मंदिर अंदर प्रवेश करेंगे। बाथरूम है नंदी जी। तो चलिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए कनेश्वर महादेव। ये है कनेश्वर महादेव जी जो कनेकेरा महासमुंद के पास विराजमान है नदी के तट पर। और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर रुद्राभिषेक का कार्य जो है, पूजा जो है वो पूर्ण हुए हैं। सामने में देख सकते हैं आप लोग नदी है। तो कनेश्वर महादेव महासमुंद कनेसर, उसका आप लोगों ने दर्शन किया। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे फिंगेश्वर, फिंगेश्वर चलेंगे और फिंगेश्वर में भगवान भोलेनाथ का दर्शन करेंगे। उसके पश्चात हम लोगों का पंचकोसी यात्रा जो है वो पूर्ण हो जाएगा। ये देखो इधर अबू। चलो सब गाड़ी में बैठो भाई, वीडियो भी रिकॉर्डिंग हो रहा है। गरियाबंद जिला में आपका हार्दिक अभिनंदन है। पंचकोसी यात्रा को हम लोग यहाँ पूर्ण करेंगे, फिंगेश्वर के नदी पे हम लोग चल रहे हैं। तो ये है मंदिर, पुराना और प्राचीन मंदिर है ये, और यहाँ हम लोग चलेंगे। हमारा गाड़ी जो है अंदर आ चुका है, ठीक है, इसको आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिए। यहाँ पर है प्राचीन मूर्तियाँ। चलिए चलिए अंदर प्रवेश करते हैं मंदिर के। बहुत ही सुंदर मंदिर, बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये। बोले भोलेनाथ बाबा की जय। तो दोस्तों चलिए आप लोग भी मेरे साथ भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर लीजिए। यह है फिंगेश्वर का फणिकेश्वर महादेव जो बेलपत्रों से और फूलों से चारों तरफ से सजा हुआ है। सावन का पवित्र मास और इसमें हम लोग दर्शन कर रहे हैं, और आज पंचकोसी यात्रा जो है इनके दर्शन करने से पूर्ण हो रहे हैं। बोले फणिकेश्वर महादेव की जय। बहुत पुराना, बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये। ये देखिए भगवान भोलेनाथ शिवलिंग है, विराजमान है। दोस्तों इसका अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, और उस इस मंदिर, ये जो बहुत पुराना है प्राचीन है, इसके बारे में मैं आप लोगों का हर चीज़ बताऊंगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, फिंगेश्वर में मौली माता जी हैं और देखिए फणेश्वर महादेव जी हैं, ये सब बहुत प्राचीन है, इनका बहुत बड़ा बड़ा इतिहास है। इसके बारे में आप लोग मेरे चैनल पर आप लोग जानेंगे, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है। बहुत सारा अच्छा अच्छा वीडियो और अच्छा अच्छा जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम पर मिलने वाला है। तो चलिए यहाँ से अब हम लोग प्रस्थान करते हैं। चलिए अभी इस मंदिर के बारे में और फिंगेश्वर के बारे में इतना ही जानिए, और अभी सब लोगों ने बैठ करके अपने घर पर पंचकोसी यात्रा को आप लोगों ने पूर्ण किया, इसका पुण्य आप लोगों को मिलने वाला है। चले और अपनी यात्रा को करते हैं, यहीं पर विराम देते हैं, अंत करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग पर, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।